कांग्रेस के समय में ही पाकिस्तान से आतंकवाद देश के अंदर आता था। कांग्रेस फिर चाहती है कि यहाँ पर फिर वही आतंकवाद का शासन, वही कांग्रेस की जलेबी बना दी, महाराष्ट्र के लोग भी बना देंगे। जिस प्रकार का शासन था, मैंने अभी आपके सामने बात किया है, अपने इस वक्तव्य के अंदर कहा है, कांग्रेस के समय के अंदर ही आजादी के बाद दो पार्ट हुए हैं। वो किस कारण से हुए हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। लाखों लोग बेघर हुए हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस के समय में ही पाकिस्तान से आतंकवाद देश के अंदर आता था और हमारे भोले भाले लोगों के जीवन को लील करके चला जाता था। उसका एक बड़ा उदाहरण मुंबई भी है, आपको मालूम है, उसको कोई भूला नहीं है। 2/11 यही है ना, 2/11 ही है, 26/11 उसको कोई भूला नहीं है। ये क्योंकि उसके ऊपर कोई मजबूत कदम कांग्रेस ने नहीं उठाया। आज मोदी जी ने, और एक और इसके अंदर, हमारे सैनिकों के ऊपर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी पूरा देश देखता था, कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर उस आतंकवाद के ऊपर भी मजबूत नकेल कसी है। आज पूरा देश सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। उन मेरे नौजवान सैनिकों के ऊपर भी कोई पत्थर की तो दूर की बात गलत आंख भी नहीं उठा सकता। ये अगर उदाहरण पेश किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है, आज मेरा भारत सुरक्षित बना है। परंतु कांग्रेस फिर चाहती है कि यहां पर फिर वही आतंकवाद का शासन, वही भय का आतंक का यहां शासन हो और मेरे सैनिकों के ऊपर दोबारा फिर पत्थरबाजी शुरू हो, ये कांग्रेस चाहती है। परंतु जब तक नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। एक सुरक्षित भारत देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देश ने कांग्रेस की जलेबी बना दी, महाराष्ट्र के लोग भी बना देंगे, बनाने वाले आते हैं इस तारीख को।